नमस्कार, मैं आफताब। हजारीबाग लोकसभा सीट से टिकट ना मिलने से नाराज मांडू विधायक जयप्रकाश ने अपना बागी तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि वह किसी भी गठबंधन को नहीं मानते और अब खुलकर प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करेंगे। जो हम बागी है झारखंड और देश के लिए, अगर देश को बचाने के लिए अगर हमको कोई बागी कहे, स्वार्थी गठबंधन के लोग, तो समझ जाए जयप्रकाश भाई पटेल बागी है। और कोई भी कार्रवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा करे, जयप्रकाश भाई पटेल उसके लिए तैयार है। जयप्रकाश भाई पटेल झारखंड मुक्ति मोर्चा का कृपा का पात्र नहीं लगा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन टेकलाल बाबू, विनोद बाबू, गुरु जी ने मिलकर किया था, लेकिन जब पद का बात आता है तो हेमंत जी अपना पद ले लेते हैं, लेकिन टेकलाल महतो का बेटा और उसकी विरासत का ख्याल नहीं आता। अपना दुमका ले लेंगे, लेकिन हजारीबाग गिरिडीह मुझे नहीं दे सकते हैं। उनको डर है कि कहां टेकलाल बाबू की राजनीतिक विरासत आगे नहीं बढ़े, तो इसलिए जब हमें वो बढ़ने नहीं देंगे, हम उसके लायक है नहीं, तो निश्चित रूप से हम निर्णय, ठोस निर्णय लिया है कि विधायक ही बनना है तो कहीं भी विधायक बन के रहेंगे। वाकया मेरे संज्ञान में भी आया है और निश्चित रूप से महागठबंधन के सभी आला नेता इस पर बैठ करके निर्णय लेंगे। और जहां तक महागठबंधन का प्रश्न है तो आपको जानकारी होगी, हेमंत जी ने खुद ऐलान किया था कि महागठबंधन दल में शामिल कोई भी नेता अगर महागठबंधन के खिलाफ किसी प्रकार की बात करेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण बयान जो माननीय विधायक के द्वारा दिया गया है, ये उनके संज्ञान में भी आएगा और कार्रवाई होगी।